गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपके इस 12th क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था अध्यावरणी तंत्र यानी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो त्वचा की दो ऊपरी सतह थी जिसमें हमने देखा था एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में हमने अध्ययन किया था। एपिडर्मिस की जो अधिचर्म की 5 परतें थी उनको बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। उसके अलावा उसके बाद हमने जो चर्म के स्तर थे उनको पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो जो अन्य संरचनाएं पाई जाती है त्वचा के अंदर, जैसे रोम होती है, त्वचा की ग्रंथियाँ होती है, उनके बारे में हमने पढ़ रहे थे। और सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया था रोम की संरचना। रोम की संरचना में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, रोम पुटक पढ़ लिया था, रोम की जड़ पढ़ ली थी और रोम पेपिला पढ़ लिया था। हमने देखा था कि ये वाली संरचना दिखाई दे रही थी आपको, इसमें सबसे पहले हमने देखा था रोम पुटक। ये जो संरचना है रोम पुटक, इसको कहेंगे रोम पुटक, कहते हैं कि जो बाल या रोम होता है उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, रोम पुटक या हेयर फॉलिकल। उसके बाद दूसरा जो भाग था हमारे रोम की जड़, तो रोम की जड़ क्या होते हैं, जो रोम का ये नीचे वाला पार्ट है हेयर रूट लिखा हुआ, ये क्या है, रोम की जड़। और तीसरा पार्ट हमने देखा था रोम पेपिला। रोम पेपिला क्या होता है कि जो रोम का निचला भाग है उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है एक बिल्कुल उबार जैसी संरचना, इसको बोलेंगे रोम पेपिला। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो रक्त है इसकी आपूर्ति होती है रोम को, और जो भी हमारे रक्त के अंदर पोषक पदार्थ है उनको पहुंचाया जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने 3 संरचनाएं पढ़ी थी। रोम की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको सामने, ठीक है, ये संरचना आपके सामने, जिसमें 3 संरचना हमने पढ़ ली थी, रोम पुट्टी का, रोम की जड़ और रोम पेपिला, जिसमें जो रोम का नीचे वाला भाग है इसको बोलेंगे रोम की फॉलिकल या पुट्टी का, उसके बाद जो नीचे है रोम की जड़ है और रोम जड़ के नीचे जो एक उबार जैसी संरचना है बिल्कुल खड्डे जैसा भाग है उसको बोलते हैं रोम पेपिला, और उसके अंदर पाई जाती है कई रक्त वाहिनियां जो क्या करती है, रोम को पोषण प्रदान करती है। तो उसके बाद हम रोम की जो अन्य संरचना है उसको देखते हैं। अगला है रोम कांड। रोम कांड किसको बोलेंगे, जो बाल होते हैं वो स्किन से जितना भाग निकला हुआ होता है उसको बोलेंगे रोम कांड या हेयर साफ्ट, रोम कांड। यानी ये आपके सामने पूरे बाल की संरचना है, रोम की संरचना है। तो इसमें से जो भाग त्वचा के अंदर धसा रहता है और जो भाग त्वचा से बाहर निकला होता है वो अलग अलग है। जो भाग आपको त्वचा से बाहर निकला हुआ दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, रोम कांड, यानी जो हमारे स्किन से बाहर बाल निकले हुए जो हम देख सकते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, रोम कांड। यानी चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है, रोम कांड। आपके सामने ये रोम का डायग्राम है जिसमें रोम की पूरी संरचना दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रोम कांड के 3 भाग है, यानी जो ये त्वचा के बाहर आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर 3 भाग है। वो 3 भाग कौन कौन से है, सबसे पहला है उप त्वचा, उसके बाद है वल्कुट और फिर है मध्यांश। तो देखिए ये जो रोम है इसके सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है, जैसे हमारे त्वचा की बाहरी लेयर होती है उसको हमने अधिचर्म बोला, उसी प्रकार जो बाल की सबसे बाहरी संरचना होती है उसको क्या कहेंगे, अधि त्वचा कहेंगे। उसके बाद अधि त्वचा के नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको बोलेंगे मेड्यूला। सबसे बाहरी भाग है वो है उप त्वचा, उसके बाद में वल्कुट, और सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, मध्यांश। अब इन तीनों में अंतर क्या है कि रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है वल्कुट है, वो मध्य स्तर होता है, और इसकी स्तर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, रंगाकण। देखिए हमारे बालों का रंग होता है काला होता है, वो काले जो कण है वो रंग प्रदान करते हैं, वो किस स्तर में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना वो रोम कांड के वल्कुट वाले स्तर में पाए जाते हैं, मध्य स्तर में पाए जाते हैं ये रंगाकण। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कभी कभी कुछ अन्य कारणों से भी जो ये रंगाकण है इनकी धीरे धीरे कमी होती जाती है, और इन कणों के स्थान पर जो वल्कुट वाली कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, जिसके कारण हमारे बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। यदि हमारे बालों के जो रोम कांड वाला ये पार्ट है
इसके अंदर अगर बीच में रंगाकण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहेंगे तो हमारे जो बाल है वो कैसे दिखाई देंगे, काले रंग के दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे किन्हीं कारणों से यदि रंगाकणों की संख्या कम होती जाती है और उन स्थानों पर उन कोशिकाओं की जगह फिर कोशिकाओं में रंगाकणों की जगह फिर क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, जिससे बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, बालों का जो रंग होता है वो रंगाकणों के कारण होता है। यदि ये रंगाकण की कमी हो जाती है इन रंगाकणों की, तो उन कणों के स्थान पर वल्कुट वाली कोशिकाओं में हवा भर जाती है और जिसके कारण बाल है वो सफेद हो जाते हैं। उप त्वचा, जैसे मैंने बताया त्वचा का ये जो रोम का सबसे बाहरी भाग होता है वो उसको उप त्वचा कहते हैं और ये एक बहुत महीन और एक कोशिके मोटा स्तर होता है। यानी जो तो अपने बाल है इसका बाहरी जो लेयर है वो एक कोशिका मोटी होती है, बहुत ज्यादा महीन होती है। उसके बाद पार्ट आ जाता है वल्कुट का और सबसे अंदर वाला पार्ट आता है मध्यांश, ये रोम का सबसे भीतरी तथा मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके सामने टेबल दी हुई है रोम कांड के तीनों पार्ट की, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आपके सामने ये रोमकांड की टेबल शो की गई है। तो आपके सामने रोमकांड की टेबल है, आप इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एरेक्टर पिलाइपेशिया, यानी जो मैंने आपको बताया था कि जो हम हेडिंग हमारी थी कि त्वचा पर उपस्थित अन्य भाग, जिनमें से हमने पढ़ा था रोम और त्वचा ग्रंथियां, तो रोम के साथ ही कुछ पेशियां पाई जाती है उनको बोलते हैं एरेक्टर पिलाइपेशिया। ये पेशियां किस में उपस्थित रहती है, चरम में उपस्थित रहती है और ये क्या करती है, हमारे बालों की गति करवाती है। बाल इधर उधर गति करते हैं तो इन पेशियों के कारण करते हैं। लेकिन ये पेशियां क्या करती है, जैसे ये संकुचित होंगे तो हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, फिर जैसे ये शिथिल होगी तो हमारे बाल वापस आड़े हो जाएंगे। हम देखते हैं कभी कभी हमें डर लगता है या ठंड के समय हमारे बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो ये एरेक्टर पिलाई पेशिया होती है वो क्या हो जाती है, संकुचित होगी तो बाल खड़े और अगर ये शिथिल हुई तो ये बाल वापस लूज हो जाते हैं। तो एरेक्टर पिलाई पेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चरम में उपस्थित रहती है, बालों की गति का नियंत्रण करती है और जब ये संकुचित होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं। यानी भय और ठंड लगने के समय बालों का खड़ा होना कौन कंट्रोल करता है, एरेक्टर पिलाई पेशिया। तो ये हमारे कुछ रोम से संबंधित हमने संरचना पढ़ी थी, रोम के जो जो मुख्य भाग थे, तीन भाग तो हमने वो पढ़े जो त्वचा के अंदर थे और एक भाग हमने वो पढ़ा जो त्वचा के बाहर था, जो उसको बोलेंगे रोम कांड, और उसके तीन भाग यानी हमारा जो ये बाल दिखाई दे रहा है इसके तीन पार्ट है, जो सबसे बाहर वाला है वो बाह्य स्तर, उसके बीच वाला कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाला मेड्यूला। ठीक है, और जो मेड्यूला बीच वाला भाग है कॉर्टेक्स, उसके अंदर रंगाकण पाए जाते हैं जिसके कारण बालों का रंग होता है, और जैसे जैसे किसी कारणों से रंगाकणों की कमी हो गई तो कॉर्टेक्स वाली कोशिकाओं में हवा भर जाती है जिसके कारण बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। एरेक्टर पिलाई पेशियों का ध्यान रखना, ये बालों की गति का नियंत्रण करती है, अगर ये पेशियां संकुचित होगी तो बाल खड़े हो जाएंगे और अगर ये शिथिल रहेगी तो बाल आड़े रहेंगे, और ठंड और भय लगने के समय बालों का खड़ा होना कौन सी पेशियां कंट्रोल करती है, एरेक्टर पिलाई पेशियां। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां, उनको बोलेंगे त्वक ग्रंथियां। त्वक या त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां एक ही चीज है, तो ध्यान रखना त्वक ग्रंथियां क्या होती है, त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां। त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां, इसको हम क्या बोलेंगे, त्वक ग्रंथियां। अब देखिए हमारे त्वचा में उपस्थित जो ग्रंथियां उनमें सबसे पहली हम देखते हैं श्वेत ग्रंथि, या हम इसको बोल सकते हैं पसीना ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड।
नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रंथि क्या स्रावित करेगी, ये ग्रंथि पसीने का स्राव करेगी, ये ग्रंथि हमारे त्वचा में उपस्थित रहती है और क्या करती है, पसीने का स्राव करती है। तो श्वेत ग्रंथि है उसको पसीना ग्रंथियां भी बोल सकती है, पसीने का स्राव करती है। इसका जो निचला कुंडलित भाग होता है वो कहाँ पर रहता है, चरम में दशा रहता है, और इसका जो भाग स्राव करने वाला होता है वो थोड़ा सा त्वचा से ऊपर निकला रहता है, रंध्रों के द्वारा ये पसीने का बार स्राव करती है। देखिए डायग्राम में सो बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको दिखाई दे रही है पूरी हमारे चरम की संरचना, जिसमें ये क्या है हेयर यानी बाल, और ये हेयर साफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, यानी रोम कांड त्वचा से निकला हुआ पार्ट, या हम इसको बोल सकते हैं रोम कांड यानी त्वचा से निकला हुआ भाग। फिर ये आपको दिखाई दे रहा नाम यहां पर पोर्स, पोर्स बोलते हैं छिद्रों को। तो हमारी त्वचा पर ऐसा नहीं कि त्वचा बिल्कुल सपाट है, इस त्वचा पर कहीं कहीं कुछ छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, तेल या सीबम वो ग्रंथियां होती है वो भी तेल निकालेगी। तो देखिए यहाँ पर ये छिद्र है, और यहाँ छिद्र के पास आकर ही जो श्वेत ग्रंथि है पसीने वाली ग्रंथि है, इसका मुंह खुला है यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या स्राव होगा, पसीना स्रावित होगा। इस ये पूरी श्वेत ग्रंथि जो आपको सांप के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जो भी इसका बिल्कुल आधार वाला भाग है वो चरम में धसा हुआ है, और फिर ये ऊपर निकल कर त्वचा पर आ रही है, और इन छिद्रों से किसका स्राव कर रही है, पसीने का कर रही है। ये वाली सतह अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, ये वाली सतह चर्म, और उसके बाद नीचे वसा वाला उत्तक, ठीक है। मैंने बोला था ना जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो त्वचा के नीचे जम जाती है, और कौन सी त्वचा, अधिचर्म और चरम के नीचे, चरम अधिचर्म सबसे ऊपर, बाद में चरम, और सबसे नीचे फिर नीचे और जो वसा वाला उत्तक है वो जमा रहता है। ये हेयर फॉलिकल, वापस आपको हेयर वाला स्ट्रक्चर बता रही है, ये रक्त वाहिनियां जो चरम वाले स्तर तक जा रही है, एपिडर्मिस यानी अधिचर्म में नहीं जाएगी, जो हमने पहले पढ़ लिया था। ये है तेल ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां एक सीबम जैसे पदार्थ का स्राव करेगी, और ये तेल जो सीबम है ना वो बालों की सतह के पास जाकर खुलेगा, जिससे हमारे जो हेयर है बाल है वो क्या रहते हैं, थोड़े तेलीय रहते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही है सामने पसीना ग्रंथियां, जिसका आधारी भाग है वो चरम में धसा रहता है, और फिर ये ऊपर आकर छिद्रों के द्वारा त्वचा से अधिचर्म से ऊपर खुलती है, और किसका स्राव करती है, पसीने का स्राव करती है। तो आपके सामने ये डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये आपके सामने डायग्राम था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो त्वचा ग्रंथि है इसके बारे में, पसीना ग्रंथि है जो इसके बारे में और पॉइंट है वो देखते हैं हम। श्वेत ग्रंथि निचला कुंडलित भाग, जैसे आपको डायग्राम में बताया ये चरम में दशा रहता है, बाकी पार्ट है वो ऊपर आकर ये क्या करती है, खुलती है। फिर जो मनुष्य के अंदर 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, यानी हमारे पूरे शरीर पर कितने पसीने का स्राव होता है, तो उन पसीनों को स्राव करने के लिए छोटी छोटी ये श्वेत ग्रंथियां होती है, इनकी हमारे पूरे शरीर में संख्या कितनी होती है, पूरे शरीर में इनकी संख्या होती है 25 लाख। अब देखिए जो श्वेत ग्रंथियां है वो क्या स्रावित करेगी, पसीना स्रावित करेगी, जो मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट में कि ये पसीने का स्राव करती है, जो हमारे शरीर से त्वचा पर पसीना निकलता है उस पसीने में क्या क्या पाए जाते हैं। आपको पता है पसीना होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, क्योंकि उसमें कुछ लवण घुले रहते हैं, उसके अलावा पसीने के अंदर यूरिया भी होता है। वैसे हमारे शरीर में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, और इस यूरिया का उत्सर्जन होता है वो मूत्र के द्वारा होता है, शरीर में किडनी के द्वारा मूत्र के रूप में यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। तो जो यूरिया है इसका उत्सर्जन मूत्र के रूप में होता है, लेकिन कुछ यूरिया की मात्रा है वो पसीने के द्वारा भी शरीर के बाहर उत्सर्जित की जाती है। तो इस पसीने में क्या क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट, इसका जो पसीने का संगठन है। तो देखिए पसीने में क्या क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, अपन देखते हैं पानी के जैसा पदार्थ होता है पसीना, इसमें जल होता है, लवण होता है, यूरिया होता है, और कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो पसीने वाली ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि, ये ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है,
आपके सामने लिखा हुआ है कि ये जो श्वेत ग्रंथि है वो ज्यादा पाई जाती है हथेली पर, तलुओं पर और बगल में। हथेली में पैर के नीचे वाले भाग में, तलुओं में और बगलों में, बगलों में और तलुओं हथेली पर ज्यादा पसीना ग्रंथियां होती है, ज्यादा श्वेत ग्रंथि होती है। यही कारण है कि इन भागों से ज्यादा पसीना आता। आप देखते हो थोड़ी सी गर्मी होती है, आपके बगलों में पसीना आने लगता है, हथेली पर पसीना आता है, पैर के जो तलवे हैं वहां से पसीना आने लगता है। ज्यादा वहीं से क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर क्या है, पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती, अपने होठों के ऊपर पसीना ग्रंथियां नहीं होती है। इसलिए आप देखते हो कितनी भी गर्मियां, ऊपर पसीना आ सकता है लेकिन होठों पर पसीना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर श्वेत ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब देखिए इन श्वेत ग्रंथि के द्वारा जो ये पसीना निकाला जाता है, इसका काम क्या है हमारे शरीर के अंदर? तो इसका कार्य शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। यानी शरीर का जो टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होगा पसीने से, कि जो टेम्परेचर है जिससे पसीना जैसे जैसे हमारी त्वचा से बाहर स्रावित होगा तो जो स्किन है वो ठंडी होती रहेगी, त्वचा है उसका तापमान थोड़ा कम होता रहेगा। यानी आप देखते हो कि पसीना आने के बाद उस स्थान पर अगर आप हाथ लगाओगे, उस त्वचा पर अगर आप हाथ लगाओगे तो वो त्वचा आपको बिल्कुल ठंडी कूल फील होती है, बिल्कुल ठंडी त्वचा फील होती है, जिसके कारण क्या होता है थोड़ा सा टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब शरीर के तापमान का नियंत्रण हो जाता है। आप देखते हो कि गर्मियों के टाइम गर्मी होती है तो ज्यादा पसीना आता है लेकिन सर्दी में पसीना नहीं आता है। तो ये पसीना एक अनुकूलन है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करने का, कि जैसे जैसे पसीने निकलेगा तो शरीर का तापमान है वो कम होता जाएगा, और शरीर का तापमान कम होगा तो फिर अपने शरीर में टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहेगा। तो ध्यान रखना पसीने का कार्य क्या होता है, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। तो ये आपके सामने पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो आपकी सिलेबस में है वही मैं बिल्कुल आपको एज इट इज, वो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल सरल रूप में बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है तो कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए, और जो जो मैं बता रही हूँ उस चीज को आप नोट्स के रूप में बनाते रहिए। साथ में अगर आप इतना जल्दी भी नहीं लिख सकते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में वापस आप उस वीडियो को देख के साथ साथ नोट बना सकते हो, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट्स करके इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हो। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, आप इसका ज्यादा से ज्यादा घर पे बैठे हुए फायदा उठाओ, ठीक है? तो पसीने का कार्य शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। फिर हम देखते हैं दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है त्वचा ग्रंथि, वो है तेल या सीबेसियस ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि या इसको बोलेंगे सीबेसियस ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा जो पदार्थ निकाला जाता है तेल के समान, उसका नाम है सीबम। इसी कारण इस ग्रंथि को क्या बोला गया है, सीबेसियस ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बालों की जड़ों के पास और पुट्टिकाओं के पास स्थित होती है। देखिए ये जो सीबेसियस या तेल ग्रंथि है ये बालों की जड़ों या पुट्टिकाओं के पास पाई जाती है, और ये कहां पर खुलती है, पुट्टिका में खुलती है। मैंने आपको बताई थी स्ट्रक्चर जो बाल की, ये जो हेयर फॉलिकल है आपके सामने दिखाई दे रही है बाल की पुट्टिका, इसके पास ही पाई जाती है जो ये रही ऑयल ग्लैंड, अभी मैंने आपको बताया था तेल ग्रंथि, या हम इसको बोलेंगे सीबेसियस ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि, ठीक है? तो ये ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये वाला पार्ट है वो हेयर फॉलिकल वाला पार्ट है, इसके पास ये ग्रंथि पाई जाएगी, और ये ग्रंथि जो सीबम निकालेगी, तेल ये पदार्थ निकालेगी, निकालकर इसको कहां पर डाल देगी, इस हेयर के अंदर डाल देगी। यहां से ये जो तेल है ये पूरे बालों के ऊपर तक चढ़ेगा, और इस तेल को क्या बना के रखेगा, चिकना बना के रखेगा। अब ये तेल के अंदर, इस बाल के अंदर ये चिकना बना के रखेगा, इस बाल के अंदर क्या चिकना ही है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ऊपर की स्किन है वो भी थोड़ी चिकनी हो जाएगी, और बाल भी क्या रहेंगे, चिकने रहेंगे। किस कारण रहेंगे, तेलीय ग्रंथि द्वारा स्रावित जो तेल जैसा पदार्थ होता है जिसको हम सीबम बोलते हैं, उसके द्वारा। तो ध्यान रखना ये जो तेल ग्रंथि या सीबेसियस ग्रंथि ये कहां पर पाई जाती है, ये पाई जाती है इस बाल की पुट्टिका के पास, हेयर फॉलिकल के पास पाई जाती है। ये आपको बिल्कुल छत्ते के जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है ना, यही क्या है, तेल ग्रंथि या सीबेसियस ग्रंथि।
और इस ग्रंथि के द्वारा जो वो तेल जैसा पदार्थ निकाला जाएगा उसको बोलेंगे सीबम। तो इस सीबम को कहां पर डाला जाता है? तेल की बाल की पुट्टी का में डाला जाता है, हेयर फॉलिकल में डाला जाता है, जहां से ये तेल क्या करता है ऊपर चढ़ता है और फिर इस पूरे हेयर को क्या करता है स्मूथ बना के रखता है। तो बालों की जड़ों या पुट्टिकाओं के पास स्थित जैसा अपन ने डायग्राम में देखा, फिर ये क्या करती है पुट्टिका में खुलती है और ये तेल जैसा पदार्थ होता है वो दूध के समान होता है, थोड़ा गाढ़ा तेली पदार्थ होता है जिसको क्या बोलेंगे हम सीबम। और इसी स्राव के नाम पर इस तेलीय ग्रंथि को क्या बोल दिया सीबेसियस ग्रंथि। फिर हम देखेंगे ये जो सीबम होता है ना इसका काम क्या होता है। सीबम है वो रोम कांड को चिकना रखता है। रोम कांड किसको बोला था? हेयर साफ्ट यानी त्वचा से बाहर निकला हुआ जो बाल का पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे रोम कांड। अब मैंने बोला कि ये जो सीबम है इसको रिलीज तो हेयर फॉलिकल के अंदर कर दिया था यानी जो रोम वाली पुट्टी का थी उसके अंदर ही डाल दिया था, जैसे हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं लेकिन वो पानी जड़ों से पत्तियों तने तक पहुंच जाता है, सेम वही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे कि जो सीबेसियस ग्रंथि थी इसने उस तेलीय पदार्थ को सीबम को किस में डाल दिया, जो बाल की जड़ थी बाल की पुट्टी का थी उसमें डाल दिया, फिर वो तेलीय पदार्थ धीरे धीरे जो तेल का पूरा भाग था उसके अंदर चढ़ गया यानी ऊपर तक चला गया और उसने क्या किया रोम को चिकना कर दिया। रोम कांड को चिकना रखता है यानी जो भी अपने बाल का पार्ट है वो स्किन से बाहर लगा रहता है वो पूरा चिकना होता है, किसके कारण होता है सीबम के कारण। ठीक है, अब जो ये तेल ग्रंथियां होती है नहीं हमारे शरीर के सब भागों पर पाई जाती है परंतु हथेली और तलुओं पर अनुपस्थित होती है, यानी अपनी पूरी जो स्किन है वो पूरे शरीर पर स्किन है उस पर में सभी जगह तेल ग्रंथियां पाई जाती है और जितनी भी स्किन है उसको थोड़ा सा ये चिकना बना के रखती है ऑयली बना के रखती है, लेकिन दो जगह पर नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, एक तो हमारी हथेली होती है और एक पैर के तलवे होते हैं, उन दोनों पर क्या नहीं पाई जाती है तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। होठ स्तन सीसन पर सीसन के आगे वाला पार्ट जहां पर बाल नहीं पाए जाते फिर भी क्या उपस्थित रहती है तेल ग्रंथियां, तो ध्यान रखना होठों पर आपको पता है कि बाल नहीं है फिर भी इसमें तेल ग्रंथियां पाई जाएगी जो तेल का स्राव करेगी जिससे क्या होगा जो स्किन है वो थोड़ी सी क्या बिल्कुल नम रहेगी बिल्कुल सूखी नहीं रहेगी। तो ये आपके थी तेल ग्रंथियां। उसके बाद एक ग्रंथि और आती है जो अभी मैं पहले थोड़ा सा आपको उसका डिस्कस कर देती हूँ, आगे और भी ग्रंथियां बसती है त्वचा ग्रंथियां जो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक बार बता दी इसी ये होती है स्तन ग्रंथि जो स्तनों में पाई जाती है जो क्या करती है दूध का निर्माण करती है, वो भी मैं आपको त्वचा में उसका डायग्राम के द्वारा बताऊंगी कि स्तन ग्रंथियां कैसे दूध का निर्माण करती है वो किस प्रकार कहाँ पर पाई जाती है और त्वचा पर कैसे सिक्रेट करती है दूध को, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक बार वापस मैं रिवीजन करवाती हूँ आपको। पिछली क्लास में हमने इस रोम की जो संरचना थी उनको पढ़ा था जिसमें हमने रोम की तीन संरचनाओं को पढ़ा था, रोम पुटक, रोम की जड़ और रोम पेपिला, जिसमें रोम पुट्टक इसको बोलेंगे जो अंदर वाला ये पार्ट है इसको बोलते हैं रोम पुट्टक या हेयर फॉलिकल, फिर ये नीचे वाला भाग है ये रोम की जड़ हेयर रूट और सबसे नीचे वाला ये भाग है इसको बोलते हैं रोम पेपिला। पेपिला यानी जो ये आपको बिल्कुल खांच के जैसा भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे रोम पेपिला और इस रोम पेपिला वाले भाग में रक्त वाहिनियां पाई जाती है जो क्या करती है पोषक पदार्थों का रक्त के जो रोम वाली संरचना है उसके अंदर पोषण करती है। मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि हम जो अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं उसका हमारी बालों की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर आप अच्छा पोषक पदार्थ ले रहे हो तो उससे आपके हेयर की जो लंबाई है वो भी ज्यादा बढ़ती है स्मूथ भी होते हैं और ठीक है। तो ये पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम ये ब्लड वेसल्स करती है ब्लड के द्वारा और ये किस वाले भाग में पाई जाती है रोम पेपिला के अंदर। उसके बाद हमने जो रोम के भाग पढ़े थे सबसे आगे वाला भाग था रोम कांड। रोम कांड कहते हैं त्वचा से बाहर निकला जो रोम का भाग होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रोम कांड यानी चरम से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ भाग रोम कांड कहलाता है। और इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं जो मैंने आपको बताए, सबसे जो बाहरी ऊपरी स्तर होता है उसको बोलते हैं उप त्वचा यानी रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है, ये अत्यंत महीन होता है और एक कोशिका से बनी हुई लेयर होती है। देखिए
ये रोम है, इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एक कोशिका से बनी होती है, ये आप पूरा रोम मान सकते हो। यानी ये एक जैसी आपको बाल एक ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ये बाहर वाली लेयर इस प्रकार की होती है, इतनी बारीक होती है कि आपको दिखाई नहीं देती अलग से। फिर बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोलेंगे मध्यांश। तो ऐसी तीन संरचनाओं से मिलकर एक ऐसी बाल जैसी संरचना बनती है, ठीक है। तो तीनों जो अलग अलग पार्ट है इसमें आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, उपत्वचा जो सबसे बाहरी स्तर होता है अत्यंत महीन संरचना होती है और एक कोशिके मोटी होते हैं, उसके बाद बीच वाला पार्ट होता है वल्कुट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि इसके अंदर कुछ रंगाकण पाए जाते हैं जिसके कारण बालों का रंग प्रकट होता है, और यदि किन्हीं कारणों से रंगाकण है वो समाप्त हो गए तो उन रंगाकणों की जगह वल्कुट की कोशिकाओं में हवा भर जाती है जिसके कारण जो बाल है वो सफेद हो जाते हैं। बाल का सबसे आंतरिक भाग है वो मध्यांश कहलाता है और ये सबसे मुख्य भाग होता है क्योंकि इसी में रोम का क्या होता है पोषण प्राप्त होता है इसी से। फिर नेक्स्ट है कुछ पेशियां भी पाई जाती है रोम के पास जिनको बोलते हैं इरेक्टर पिलाई पेशियां, अगर ये संकुचित होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं, यानी आपको डर लगता है या ठंड लगती है उसके समय आप देखते हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी बाल खड़े हो जाते हैं, तो वो किन पेशियों के कारण होते हैं इरेक्टर पिलाई पेशियां। फिर है त्वचा में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां जिसमें सबसे पहले श्वेत ग्रंथियां या पसीना ग्रंथियां, ये त्वचा में पसीने का स्राव करती है और इसके दो भाग होते हैं, जो भाग कुंडलित होता है वो चरम में धंसा रहता है और इसका आगे का सिरा त्वचा के ऊपर जो छिद्र होते हैं उनमें जाकर खुलता है और किसका स्राव करता है पसीने का। देखिए ये बिल्कुल नीचे रिंग जैसी संरचना है जो त्वचा में धसी हुई पसीने की ग्रंथियां है, और फिर ये कुंडलित भाग सांप के जैसी संरचना है जो त्वचा पर जाकर छिद्रों के द्वारा खुलती है और त्वचा पर किसका स्राव करती है पसीने का। पसीने में क्या क्या पाए जाते हैं, पसीने में पाए जाते हैं जल, लवण, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और पसीने का काम क्या है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। सबसे ज्यादा श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है हथेली में, तलुओं में और बगल में, और यही कारण है कि शरीर के इन भागों में होता है वो ज्यादा पसीना आता है गर्मी में। मानव शरीर में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। फिर दूसरे प्रकार की ग्रंथियां थी तेल ग्रंथियां या सीबेसियस ग्रंथियां, ये ग्रंथियां भी त्वचा में उपस्थित रहती है और त्वचा पर जो ये जो ग्रंथियां हैं इनमें और पसीना ग्रंथियां में क्या अंतर है कि पसीना ग्रंथियां तो त्वचा पर जाकर ही पसीने का स्राव करेगी, लेकिन ये जो तेल ग्रंथियां है ये त्वचा पर जाकर पसीने का स्राव नहीं करेगी बल्कि ये जो रोम या बाल होता है उसके आंतरिक भाग में डाल देगी तेल या सीबम को, फिर उससे जो तेल है वो सीबम है वो बाल के पूरे भाग तक चला जाएगा और जो रोम कांड है त्वचा से निकला हुआ बाहरी भाग है उसको चिकना बनाएगा। तो ये पुट्टिका में ही खुलती है, किसकी पुट्टिका में, रोम पुट्टिका में खुलती है, और इसको सीबेसियस ग्रंथि इसलिए बोला गया है क्योंकि जिस पदार्थ का स्राव किया जाता है उसको क्या बोलेंगे सीबम। सीबम क्या करता है, सीबम रोम कांड को चिकना रखता है, हथेली और तलुओं पर तेल ग्रंथियां है वो अनुपस्थित होती है, इसलिए जो हथेली और तलुओं में क्या होता है चिकनाई नहीं होती है बिल्कुल भी। और हॉट स्तन सीसन इनके कुछ ऐसे भाग है जहां पर बाल नहीं पाए जाते फिर भी उनमें क्या रहती है तेल ग्रंथियां उपस्थित रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की थी अपनी क्लास, अगर इसमें आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट क्लास में जो अन्य त्वचा की ग्रंथियां बसती है और त्वचा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वो क्या क्या कार्य करती है वो हम सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी वीडियो आएगा उसमें आपका अध्यावरणी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप साथ में पढ़ते जाइए, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करते जाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। Thank you.